बीजेपी के पूर्व राज्य अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने राज्य सरकार को ओल्ड सिटी मेट्रो रेलखंड के काम शुरू करने की मांग की है। लाल दरवाजा पर एक हड़ताल को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये पुराने शहर के नागरिकों को परिवहन के सर्वोत्तम साधनों का उपयोग करने से वंचित होना उचित नहीं होगा और इस पर जल्द से जल्द उचित कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय राजनीतिक दलों ने मेट्रो रेल के खिलाफ केवल उनके लाभ के लिए रुकवा कर रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि लोग मेट्रो रेल के लिए अपने संपत्ति देने के लिए भी तैयार थे, पर इस दौरान फलकनुमा मार्ग पर काम शुरू करने के लिए एचएमआरएल अधिकारियों की मांग करते हुए भाजपा के सदस्यों ने इसका विरोध में लाल दरवाजा पर रैली भी निकाली। शहर के अंदर हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट 2012 में जो शुरुआत हुआ, पुराना सरकार के साथ जो अग्रीमेंट हुआ, हैदराबाद के ट्रैफिक रोज रोज बढ़ता हुआ जा रहा है। ये तकलीफों को हटाने के लिए ये जो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट तीन हिस्सों में, एक पुराना शहर के अंदर जो कॉरिडोर 2 है और दोनों जो कॉरिडोर है उसका काम जारी है, मगर आज टीआरएस पार्टी केसीआर सरकार में आने के बावजूद जो पुराना जो सरकार के साथ समझौता हुआ, ये पुराना शहर के अंदर जो प्रोजेक्ट जाने वाले, यहाँ का जो मजलिस पार्टी एमएलए दबाव में आकर आज टीआरएस के सरकार यहाँ काम रोक दिया गया है बिना वजह। यहाँ के हिंदू मुस्लिम सभी जो भी कारोबार करने वाले छोटा व्यापारी है सब मिलकर है, पुराना शहर भी तरक्की अगर होना है तो ये मेट्रो रेल प्रोजेक्ट आना जरूरी ये लोग मानते हैं। सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी एक बार दो बार तीन बार भी असेंबली में ये मुद्दा उठाया, क्यों आप मस्जिद के दबाव में आकर पुराना शहर का अलाइनमेंट बदलना चाह रहे हैं? ये किसी मस्जिद पार्टी का अगर प्रॉपर्टी खो जा रहा तो गरीब लोगों का जो तरक्की हो रहा, मगर मस्जिद पार्टी ने अपना अलग एक मैप बनाकर दारुसलाम में बैठकर जो मस्जिद आज टीआरएस के सरकार पे दबाव डालकर जो काम रोका गया उसके खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी एक आंदोलन छोड़ा है। सभी लोगों को, हिंदू मुस्लिम सभी भाई लोगों को मिलाकर अगर हैदराबाद पुराना शहर भी तरक्की होना है, ये ट्रैफिक का जो मसला है वो भी हल होने के लिए और व्यापार भी बढ़ने के लिए और कारोबार यहाँ बढ़ने के लिए पुराने शहर का भी मेट्रो रेल जारी रखने के लिए आज हमारा जो मांग है, टीआरएस के साथ जरूर दबाव लगेंगे। टीआरएस मस्जिद के दबाव में आकर आने वाले 2019 के चुनाव में नजर में लगा के मस्जिद के बाद जो आज ताल में लोरा टीआरएस के पार्टी के साथ मस्जिद खुला बता रही, आने वाले चुनाव में हम मिलकर लड़ेंगे। इसलिए हमारे जो मांग है पुराना शहर में ये रेलवे प्रोजेक्ट आना नहीं है, अगर आ गए तो तरक्की होगा, तरक्की हो गए तो लोग मस्जिद पार्टी को सबक सिखाएंगे, क्योंकि 40 साल से ये गुमराह कर रहे लोगों को पुराने शहर के, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, कोई डेवलपमेंट नहीं है, सिर्फ मजहब के नाम पर वोट हासिल कर जीत कर किस तरह अपना ये जायदाद बढ़ा कर रहे, मगर गरीबों का कोई भी आज भला नहीं करे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, हम पुराना शहर के हिंदू मुसलमान दोनों को मिलाकर ये मेट्रो लाइन प्रोजेक्ट जारी रखने के लिए ये आंदोलन छेड़े, आने वाले दिनों में पूरा हैदराबाद शहर के ऊपर ये जारी रखेंगे, दबाव डालेंगे, जरूर हासिल करेंगे। We'll be right back.